हर दिन किसी के बैंक से 30,000 रुपए निकल जाते हैं, किसी के बैंक से 12,000 रुपए निकल जाते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें भी लेकिन हमारा पैसा, हमारे मेहनत के पैसे सिक्योर्ड रहे। इसके लिए आज हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रक्षित टंडन है और वो एग्जैक्टली बताएंगे कि जब हम ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। हम एटीएम मशीन के पास हैं और यहाँ से पैसे निकालने का भी एक तरीका होता है, वो सारा प्रोसेस क्या है रक्षित हमें एग्जैक्टली समझाएंगे। रक्षित, देखिए सबसे पहले तो हम मशीन के अंदर ये जो स्लॉट होता है जिसमें हम कार्ड डालते हैं, हम इसे चेक करें जैसे ये बिल्कुल एम्बेडेड है, कोई भी प्रोट्रूडिंग डिवाइस बाहर निकलता हुआ कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जब हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो हमसे हमारी पिन मांगेगा, हमें ऐसी पिन डालना है, हाथ कवर करना है। ये मेरा प्रोसेस होना चाहिए। ओके। कई बार हमारे यहाँ एटीएम की लाइन है, पीछे आदमी खड़े हैं, उसमें भी एक बदमाश आदमी खड़ा होता है और वो मेरी उंगलियां पढ़ लेता है। right. कई बार ये हैकर्स हमारे किसी भी ऐसे एटीएम के अंदर यहाँ पे इसके नीचे ऊपर कहीं भी वो चिपका देते हैं कैमरा, माइक्रो कैमरा जिसमें right. एक मेमोरी कार्ड होता है और वो चिपकाने के बाद वो उसमें हमारी उंगलियां रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने पिन डाल के ऐसे देखा, ये स्लिप ऐसे फेंकी गई है। okay. अब इस स्लिप पे लास्ट का कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन मुझे साफ अंकित दिखाई दे रहा है। right. ये इन्फॉर्मेशन एक हैकर के लिए बहुत काम की है। अब इसे तरीका क्या है, जब मेरी स्लिप निकली right. ये okay. ये और ये, अब मैं इसे फेंकूंगा। सो एटीएम में पिन डालते टाइम बिल्कुल आपको हाथ कवर करना है और अपनी ट्रांजैक्शन स्लिप को डस्टबिन में डालने से पहले फाड़िएगा, ऐसे ही मत डालिएगा। क्रेडिट कार्ड के मामले में हम काफी सावधानी बरतते हैं, क्यों रक्षित? मतलब एक कार्ड होता है लेकिन उससे भी पैसे निकल जाते हैं। एब्सोल्युटली। एक सेकंड, आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है? ओके, आप दिखा सकते हैं प्लीज। ओके, अब ये देखिए, ये हमारे पास दो तरह के कार्ड हैं, एक इनका डेबिट कार्ड है और एक ये इनका क्रेडिट कार्ड है। हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीछे एक तो सिग्नेचर की स्पेस होती है जिस पे हमेशा हमें एक पायलट पेन से साइन करके रखना चाहिए। यहाँ पे आखिरी में एक छोटे से 3 अंक लिखे होते हैं जिनको हमारे यहाँ CVV बोला जाता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये नंबर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय काम आता है। तो आजकल बदमाश क्या करते हैं कि जब हम उन्हें ये कार्ड देते हैं अपने शॉपिंग मॉल पे, पेट्रोल पंप पे, तो वो सिर्फ हमारा आगे का कार्ड नंबर और हमारा ये 3 डिजिट का कोड नोट कर लेते हैं। और अगर आप ये 2 चीजें मेरे पास हैं तो मैं कहीं भी जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ। तो अब इससे बचने का तरीका ये है कि मैं ये याद कर लूँ और इसको एक ब्लैक मार्कर से इरेज कर दूँ। तो बेसिकली अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पीछे से अपना CVV नंबर जो है उसको मिटा दीजिए, उसको याद रखिए, कहीं और अपनी डायरी में लिखिए, लेकिन वो कार्ड पे नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जब आप रेस्टोरेंट में पेट्रोल पंप्स में जाके कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो मशीन आपको आपके हाथ मिला के दे, आप अपना कार्ड उसको नहीं देंगे क्योंकि उनके पास कार्ड क्लोनिंग मशीन हो सकती है जिसका हमें पता तक नहीं चलेगा। उम्मीद है आपके साथ कभी ऐसा ना हुआ हो, लेकिन मेरी नॉलेज में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके बैंक से पैसे निकल गए हैं, किसी ने उनका कार्ड क्लोन कर लिया और एटीएम से पैसे निकल गए। रक्षित, अगर मेरे पैसे निकल गए, कोई उम्मीद है कि मुझे वो पैसे वापस मिल सकते हैं? देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड होता है और उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक है, उसकी कोई गलती है, तो उस केस में अगर वो 3 दिन के अंदर बैंक को और पुलिस को दोनों को साथ में रिपोर्ट करता है तो उसमें एक संभावना है कि बैंक को वो पैसा रिवर्ट करना पड़ेगा। ओके, बट उसमें डिपेंड करता है ऑपरेशन और मोडस ऑपरेंडी क्या है। अगर कस्टमर की गलती है, जो कि 90% गलतियों में आजकल क्या हो रहा है कि मेरे पास कॉल आया था, मैंने अपना पिन दे दिया, मैंने अपना OTP दे दिया, तो उस केस में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जहां भी किसी फ्रॉड के अंदर हम ये नोट करते हैं कि उसमें बैंक के कोई ग्लिच था बैंक की तरफ से और कस्टमर की कोई गलती नहीं थी, तो उस केस में पेमेंट रिवर्ट होता है, लेकिन दोनों ही केसेस में कंप्लेंट आवश्यक है। नेट बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जिसके लिए हमें बैंक जाके ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऑनलाइन हमने गलती की तो हमारी मेहनत की कमाई सिर्फ हमारी केयरलेसनेस की वजह से पूरी की पूरी सफाचट हो सकती है, ऐसा ना हो, इसके लिए रक्षित हम क्या करें? जब हम बैंक की वेबसाइट खोलते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर स्पेलिंग पता होनी चाहिए राइट। और वो हमेशा
हरे रंग का ये ताला छोटा सा राइट, और बैंक का नाम, उसका सर्टिफिकेट, और HTTPS से शुरू होता है। ये सिक्योर प्रोटोकॉल है। फिर जब आप अपनी कस्टमर आईडी डालते हैं तो पासवर्ड डालने के लिए वो आपसे कहता है कि वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। इससे अगर कल को मेरे सिस्टम में कोई वायरस है, आजकल वायरसेस किस प्रकार के होते हैं, वो हमारे कीबोर्ड के बटन रिकॉर्ड कर लेते हैं, उन्हें की लॉगर्स या ट्रोजन नाम कहते हैं। हमने कुछ उल्टा सीधा डाउनलोड किया था, वो वायरस उसमें आ गया। अब मैं कीबोर्ड से पासवर्ड डाल रहा हूँ और हैकर को पता चल गया। आज बैंकिंग में डबल लेयर सिक्योरिटी है, वो लोग आपको एक OTP भेजते हैं, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देते हैं। आप अगर किसी को फंड ट्रांसफर करने देते हैं तो उसमें भी एक लीड टाइम दिया है उन्होंने कि कभी कस्टमर ऐड होगा तो आप पे हमेशा अलर्ट आएगा कि हाँ भाई आपने एक फलाने आदमी बेनिफिशियरी को ऐड किया है, उसे आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। सिर्फ जो गलती हम देखते हैं इतने केसेस में, हमने OTP बता दिया। राइट, एंड ऑफ कोर्स नेट बैंकिंग यूज करने के बाद लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करना बहुत जरूरी है। मोबाइल वॉलेट जिसमें हम अपने अकाउंट से पैसे भर लेते हैं, रक्षित, वहां से भी पैसे निकल जाते हैं? बिल्कुल निकलते हैं, और बहुत सारे मामले हमारे पास आते हैं जिसमें लोगों के मोबाइल वॉलेट से पैसे निकल जाते हैं। तो देखिए, मोबाइल वॉलेट एक एप्लीकेशन की तरह है। कई सारे नाम आपने सुनेंगे, फोन पे, मोबीक्विक, पेटीएम, जियो मनी, एयरटेल मनी, SBI बड़ी, ये सब प्रोडक्ट्स आजकल दिन पे दिन, वोडाफोन, M-Pesa, ये सब वॉलेट्स हमारे डिजिटल वॉलेट्स कहलाते हैं। जब आप इन्हें क्रिएट करते हैं तो एक आपके नंबर, मोबाइल नंबर आइडेंटिटी से क्रिएट होते हैं और उसका एक पासवर्ड होता है, और वो हमें ऐप लॉक करके रखना चाहिए अपने फोन पे। हम जब उस बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो ऐप हमसे कहता है कि हमारा कार्ड सेव कर लीजिए। हमें लिए बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि चलो एक बार सेव हो गया तो बार बार आराम आराम से पैसे डालते रहेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए। हम बार बार फ्रेश अपना पेमेंट उसमें ट्रांजेक्ट करें। अपना OTP उसका किसी को नहीं बताना। दूसरा, अपने फोन में ऐप लॉक हमेशा रखिए। राइट, सो बेसिकली हर बार एक चीज सामने आ रही है, अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी के भी साथ नहीं। हर दिन हम इतने अनइम्पॉर्टेंट, गैर जरूरी वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं। आज के दिन इस वीडियो को जितने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जरूर कीजिएगा, ताकि अगला फ्रॉड होने से रुक जाए और आप किसी का भला कर पाएं।